नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उसके पहले आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दे दें जो कि लखीमपुर खीरी केस को लेकर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई है। दिल्ली और यूपी के बाहर रहने का आदेश दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता दें लखीमपुर खीरी मामले को लेकर, जहां पर आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। और आरोपी आशीष मिश्रा को बता दें कि 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली और यूपी से बाहर रहने की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से बता दें कि जहां जिस तरीके से ये मामला सामने आया था लखीमपुर खीरी का, और इस दौरान जिस तरीके से आशीष मिश्रा को जमानत मिली है, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और मयंक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। और मयंक, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी मामले को लेकर बड़ा अपडेट आया है जिसमें आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की जमानत अंतरिम जमानत दी गई है, ये 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, ये किस आधार पर लिया गया और इसको लेकर क्या कुछ और आगे कार्रवाई हो सकती है? देखिए मैडम, बताना चाहेंगे 3 नवंबर 2020 को हुई थी दुनिया हत्याकांड में 4 किसानों सहित बीजेपी के 4 तथाकथित कार्यकर्ताओं की मौत हुई, जेल में बंद थे, जिनको लेकर के फैसला 1 हफ्ता पहले ही हो गया था, सुरक्षित रखा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की जमानत मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर के कल आशीष मिश्रा की जिला कारागार से रिहाई होनी है। मयंक त्रिवेदी, इस मामले को लेकर दिल्ली और यूपी से बाहर रहने को आदेश दिया गया है आशीष मिश्रा को, तो इस मामले को लेकर दिल्ली और यूपी से बाहर रहने का आदेश को हम किस तरीके से देखेंगे और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और यूपी से बाहर रहने की बात कही है? देखिए मैडम, जहाँ पे ये टिप्पणी हिंसा कांड हुआ था वो उनका पैतृक गाँव है और उनकी जान माल को भी उतने ज्यादा खतरा है जितना टिप्पणी हिंसा कांड में वो बदनाम हुए थे, आरोपी सिद्ध हुए थे। इसीलिए सबसे कंफर्टेबल उनके लिए नजदीक नेपाल पड़ता है, तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आशीष मिश्रा मुनु तब तक नेपाल में रहेंगे। मैं चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, लखीमपुर खीरी से है, जहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इनसे आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिली है और ये 8 हफ्ते की जमानत दी गई है, अंतरिम जमानत, जिसके बाद से दिल्ली यूपी से बाहर रहने का आदेश दिया गया है उनको। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उनके जान माल के खतरे को देखते हुए उन्हें दिल्ली और यूपी से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर की जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में आपको बता दें कि दूर दराज से आए हुए फरियादियों की एक एक कर सीएम योगी ने समस्या सुनी। मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को मामले को जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। पीलीभीत के थाना सनगढ़ी पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू जागरण मंच ने पुतला फूंका है। बता दें कि रामचरित पर टिप्पणी का हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के अनियमित बयान को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए बता दें कि इस दौरान पुतला फूंका है। और पीलीभीत का ये मामला, जहां पर लगातार बता दें कि कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकते हुए नजर आए हैं और बता दें कि इस दौरान ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद से, विवादित टिप्पणी के बाद से लगातार पूरे देश में एक अलग गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों में। और यहाँ पर हिंदू जागरण मंच की तरफ से यहाँ पर उनका पुतला फूंका गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है और साथ ही देखिए तस्वीरों में किस तरीके से उनका पुतला फूंका जा रहा है और किस तरीके से इस मामले को लेकर विरोध
करते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। और बता दें कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित टिप्पणी के बाद रामचरितमानस पर उन्होंने विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद से लगातार सियासत गर्म है। इसका विरोध करते हुए देश में अलग अलग जगह से लोग नजर आ रहे हैं और ये पीलीभीत की तस्वीर है जहाँ पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता का अलग आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसको लेकर वे उनका पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि रामचरितमानस पर ये टिप्पणी की गई थी और जिसके बाद से हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और स्वामी प्रसाद मौर्य के अनियमित बयान के बाद से उनका पुतला फूंकता गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रांजल गुप्ता जुड़ गए हैं। प्रांजल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद से हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता है वे पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें एक अलग आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। आपकी बातचीत हुई होगी उनसे, क्या कुछ कहना है उनका? जिस तरीके से जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हमारे आगे बयान जो दिया है रामचरित मानस को लेकर, तो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद जो है उन्होंने फैलाया, जिस तरीके बयानबाजी उन्होंने किए जो उसमें चौपाइयां वगैरह, इसका कहीं ना कहीं जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं ने जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है। कहीं ना कहीं उन लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जिस तरीके से उन्होंने जो अमर्यादित बयान जो दिया है उसको लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते इन्होंने आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है पुतला दहन किया है और मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रांजल, क्या कुछ मांग करते हुए नजर आए हैं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता? हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से उन्होंने जो बयानबाजी की है ये कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है धार्मिक ग्रंथ को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध उन्होंने किया है कि इसमें जो है अपने जो वचन है जो उन्होंने बात बोली है इसको वो वापस ले, नहीं तो उनके खिलाफ जो है कठोर कड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जाएगा। जी प्रांजल, हमेशा देखा जाता है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणियां है ये काफ़ी विवादित हो जाती है और जिस तरीके से ये टिप्पणी और एक रामचरितमानस को लेकर उन्होंने दिया था, क्या उनको सुर्खियों में रहना पसंद है, इस वजह से ऐसी टिप्पणियां दी जा रही है और अपने आप को फेमस किया जाता है? जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए या समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता है जो इस तरीके से चाहे आजम खान जी ले लीजिए या मुलायम सिंह यादव जी ले लीजिए, जिस तरीके उन्होंने कई बार इस तरीके से बयानबाजी उन्होंने की है, तमाम बड़े नेता जो है इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहने की बात हो या जिस तरीके से जो बयानबाजी करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है गलत टिप्पणी जो है यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रांजल, ये जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य और इस तरीके से ये टिप्पणी, नेता ही अगर इस तरीके की टिप्पणी देते हुए नजर आएंगे रामचरितमानस का, अगर रामचरितमानस का वो सम्मान करते हुए नहीं नजर आएंगे तो कैसे देश की जनता इन पे भरोसा करेगी? और इस तरीके के सपा नेता का इस तरीके की टिप्पणी देना शोभा बिल्कुल नहीं देता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि ये पीलीभीत की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बता दें कि रामचरितमानस को लेकर एक विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद से लगातार देश और दुनिया में तमाम जगहों पर इसको लेकर एक अलग आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। और पीलीभीत में भी बता दें कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका है और इस दौरान अपनी तमाम तरीके की मांगों को लेकर वे आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आए। और बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में कल पूरी ठाकुर की जयंती के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अंचल राजभर, राम प्रसाद चौधरी और स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे हैं और सभी ने अपना विचार व्यक्त किया है और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को संबोधित करते हुए बता दें कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का संबोधन जैसे किया तो लोग कुछ देर सुनने के बाद बता दें कि पंडाल से चलते हुए नजर आए हैं और कार्यकर्ताओं ने रोकने की उन्हें कोशिश की लेकिन महिलाएं चलती रही और महिलाएं कार्यकर्ता ने बता दी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना संबोधन समाप्त कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर कहा कि मैं अपने बयान पर अडिग हूँ।
और बता दें कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से पूरे देश में एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है, लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप बता दें कि इस मामले को लेकर उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी टिप्पणी पर अडिग हूँ, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में कलपुरी ठाकुर की जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर ये पहुँचे थे और इस दौरान उन्होंने मंच पर अपनी बात रखते हुए अपनी टिप्पणी को लेकर ये कहा है कि मैं अपनी टिप्पणी पर अडिग हूं। और आज अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये गाली हो सकता है उस समय दी गई हो, आज व्यवहारिक नहीं है, इसलिए इस अंश को प्रतिबंधित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने किसी भगवान किसी धर्म राम पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है, उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हमने जो बयान दो दिन पहले दिया आज भी मैं उस पर कायम। खबर गाजीपुर से आपको बता दें, जहां पर एक तरफ डीएम अर्चुका अखौड़ी भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है, वहीं दूसरी तरफ करंडा ब्लॉक के सिढ़ौड़ा गांव में तैनात लेखपाल काशु यादव पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल रिश्वत लेकर कार्य करते हैं। ये शिकायत पत्र सोमवार को डीएम दरबार पहुंचा है और इस संबंध में एसडीएम सदर प्रतिभा मिश्रा ने बताया है कि जांच टीम गठित की गई है और रिपोर्ट आ जाने के बाद से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आखिरकार देखना यह होगा कि लेखपाल पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। सौरम खेत का वो राशन चाहते ही बाबू का नाम बाबू मरगल हुआ तो उनको राशन कराओ चाहते अपने नाम से भाई के नाम से। हाँ तो क्या हुआ उसमें? उसमें काशु लेखपाल के 1,000 रुपया डाले, आज लेना कह ले दोबारा कागज डाली कतु हेरा गए। इसी गांव का लेखपाल है? हाँ इसी गांव का। तो आप पैसा क्यों दिए उनको? वो कह रहे थे कि बगैर पैसा का नहीं होगा। चक्रोट का विवाद है ना पर कहनी लेखपाल साहब से। क्या नाम है लेखपाल का? काशीनाथ यादव। हाँ तो क्या हुआ? तो 15,000 रुपया मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया और वो नहीं आए ने नापे। 15,000 मांग रहे थे? हाँ। किस लिए मांग रहे थे? पैमाइश के लिए? पैमाइश। काम आपका हो गया या नहीं हुआ है? नहीं नहीं हुआ है। फिर इस बाबा तब अधिकारियों के यहाँ नहीं गए मिलने? नहीं साहब, हम किसान आदमी ना जानकार बने ना गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं नेपाल आलम और साथ ही आपसे महतवाब आलम जुड़ गए हैं। और महतवाब आपसे जानना चाहूंगी मैं, लेखपाल पर रिश्वत का आरोप लगाया गया है और इस दौरान ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है महतवाब? जी आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है करंडा थाना क्षेत्र के जो ये सौड़ा गांव है उसी का मामला है, जहां पर लेखपाल ने वहां के लोगों से रिश्वत लिया और रिश्वत लेकर के काम करने की बात की। और ये जो है जब एसडीएम सदर को हमने बताया तो उन्होंने इंतजार बैठाने की कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है, लेकिन अभी तक लेखपाल से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेहताब इस दौरान ग्रामीणों का लेखपाल को लेकर क्या कुछ और कहना है? किस तरीके से ये रिश्वत को लोगों से लेते थे, किस तरीके से इस कार्य को वो अंजाम देते थे? जी वो बता दें कि वो उनका साफ कहना है ग्रामीणों का कि जो है ये हमसे जो है पैसे की डिमांड करते हैं और जो है ये कहते हैं कि आपका जो है जो भी सरकारी जैसे कि आपका आवास आया हो या आपका शौचालय आया हो उस पर हम आपको जो है तुरंत आपका काम करा देंगे और आपको दे देंगे, तो वो पैसे की मांग लेता करते थे, तब जाके ये मध्य ग्रामीण ने जो इसकी शिकायत जो है एसडीएम सदर को की है। बिल्कुल मेहताब, और जिस तरीके से मामला सामने आया है लेखपाल पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, अब ये देखना होगा कि एसडीएम इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन बड़े बड़े बातें तो करते हैं लेकिन ग्रामीणों की बात को किस तरीके से सुनते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहताब और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं हरदोई में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि जिला अस्पताल के गेट पर घोड़ा घूमता दिखाई दे रहा है और घोड़े में पीठ पर पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि मैं हूं जिला पंचायत राज्य अधिकारी हरदोई। कहा जा रहा है कि किसी ने इस तरह का पोस्टर लगाकर घोड़े को खुलेआम छोड़ दिया है। अब खबर इटावा से आपको बता दें, जहां पर बता दें कि थाना सेफई में नवजात बच्ची को चुराने का यह मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि शादी के 14 साल बाद भी बच्चा ना होने के परेशान महिला ने सेफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से नवजात बच्चे को चुराया है और इस दौरान नवजात बच्चे के परिजनों ने महिला को बच्ची चुराते हुए रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हरदोई में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है और एक घायल हो गया है। दरअसल तेरह रफ्तार DCM और साथ ही बता दें कि ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई है और इस दौरान शाहजहांपुर से सीतापुर की ओर जा रहे लोग हादसे में शिकार हुए हैं। कोतवाली पिनाही क्षेत्र के जहानी खेड़ा सरैया के पुल के नीचे से मामला बताया जा रहा है। वहीं कोतवाला पिहानी बेनी माधव त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं, मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत लाइन सफारी के पास सुनसान इलाके में पेड़ पर लटका एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वही हत्या या आत्महत्या इसको लेकर पुलिस गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने युवक को शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अग्निवीर की भर्ती में असफल होने के बाद से मृतक परेशान चल रहा था, इसके बाद से इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के निजामपुर गुड़ियान चौराहे के पास 18 वर्षीय विकास यादव पुत्र ईश्वर चंद्र यादव की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ईश्वर चंद्र यादव ने बताया है कि उनका लड़का दूध लेने जा रहा था कि कुछ अज्ञात लोग द्वारा लाठी डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या किसने की है उन्हें जानकारी नहीं है। फिलहाल घटना की सूचना SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर और साथ ही SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई, क्षेत्र अधिकारी कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, तिवारीपुर थाना प्रभारी मदन मोहन मिश्रा समेत तमाम पुलिसकर्मी को दे दी गई है। और इस दौरान SSP डॉक्टर ग्रोवर ने बताया है कि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना आसपास लगे CCTV कैमरे की मदद से हमलावरों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज 7:20 के आसपास की एक घटना की जानकारी थाना तिवारीपुर क्षेत्र में शाम को ये प्राप्त हुई कि विकास यादव नाम का एक युवक जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था, गली में कुछ लड़कों द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया जिसमें उसको चोटें आई। तत्काल उसको हॉस्पिटल के लिए रश किया गया, पुलिस भी साथ में गई। हॉस्पिटल में उसको जो चोटें आई थी उसके तहत उसको मृत घोषित कर दिया गया। मौके का जो निरीक्षण है वो सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, परिजनों के साथ संपर्क किया जा रहा है, घटना की जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के द्वारा और आसपास के जो CCTV कैमराज हैं उनके माध्यम से घटना क्या हुई, किन परिस्थितियों में हुई और क्या घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी की जा रही है। और हमारा लड़का गया था निजामपुर चौराहे दही लेने, चौराहे पे उसको जो है लोग मारे हैं। कौन लोग से कुछ जानकारी हुई है आपको? जानकारी अभी नहीं हुई। तो ये बताइए, कोई आपसी रंजिश थी या किसी तरह का कुछ ऐसा मामला था कभी इनसे किसी से? नहीं, इनसे नहीं था। क्या नाम है आपका? विकास यादव। क्या करते थे? दूध का व्यापार करते थे। 18 साल की घटना है, 7:20-15 पे हुआ है। ये घटना हमको लोग बताए, उसके बाद हम निरंकारी भवन पे थे,
7:30 पे हमारे पास फोन आया, हम तुरंत वहां से भागे गए घर पे, पूछे तो पता चला सदर ले गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांद्री थाना के ग्राम झिकनी निवासी सदर कोतवाली अंतर्गत ग्राम बता दें कि कुआताला में एक तेरई में शामिल होने के लिए आए थे और इस दौरान तेरवी में शामिल होने के लिए आए थे और इस दौरान तेरवी में शामिल होने पर अपने घर के निकले ही थे कि सदर कोतवाली अंतर्गत सदन पुल के पास अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ से 3 को गंभीर हालत देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पंचकल्याणक के तीसरे दिन जरम कल्याणक की बात बता दें कि मुनिश्री सुप्रभात सागर के खेर इंटर कॉलेज बालिका विद्यालय में बनी धर्म की नगरी अयोध्या में चल रहे श्री मुनि सर्वथनाथ जिनबिम पंचाक्रियन और साथ ही गर्रथ महामोहतेश्वर के अवसर पर कही गई है और आगे उन्होंने कहा है कि संसार में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा जीव यदि कोई होता है तो तीर्थ कर भगवान ही होते हैं, क्योंकि वे अपने पुण्य को पुण्य में लगाकर भव से भवतीय होने का पुण्यार्थ करते हैं और जो भी जीव जन्म मरण से अतीत होते का पुरुषार्थ करते हैं उनका जन्म जन्मकालन के रूप में मनाया जाता है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में विवादित सेक्टर में बाबा का बुलडोजर चल गया है। बताया जा रहा है कि पैमाइश के दौरान प्रशासन और पुलिस पर दबंगों ने हमला किया है। घटना के बाद से पूंछ थाना में 22 नामजद और 55 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है। घटना के बाद से मोट तहसील प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।